हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए कुछ क्राफ्ट में लेकर आई हूँ। ये एक येलो कलर का पेपर है, गिफ्ट पेपर रैप। तो इससे मैं आपको कुछ बनाकर दिखाऊंगी। फर्स्ट हम इसका एक पीस कट कर लेंगे, इसमें से जितना हमें यूज़ करना है। ये मैंने पीस कट कर लिया। उसके बाद मेरे पास एक लेस है। इस लेस से मैंने काफ़ी आइटम बनाई हुई हैं जो मेरे यूट्यूब पर हैं, आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने पुरानी चप्पल वगैरह बनाई हुई हैं, सैंडल, जिस पर जो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, इसी लेस से बनाई हुई है। आप यूट्यूब पर जाकर देखना, फुल वीडियो भी है और शॉर्ट्स में भी डली हुई है। मेरे को जितनी चाहिए मैंने ये लेस कट कर ली है इसमें से। और हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये फेविकोल है, इससे हम इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, जो मैंने पीस कट किया है येलो कलर का। वो जब ये बन के तैयार होगा तो देखना, आपको बहुत सुंदर लगेगा देखने में, खासकर छोटे बच्चों को, गर्ल्स गर्ल्स के लिए। आप घर में बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम रेट में बहुत सुंदर हेयर पिन बना सकते हो। तो ये मैंने कट किया और ये मेरे पास एक पेपर था। आप कोई क्लॉथ भी ले सकते हो, क्लॉथ को आप पेपर पर पेस्ट कर लोगे और उसके बाद फिर लेस वगैरह जो भी आपको लगाना है वो लगाओगे और फिर आप अपनी हेयर पिन पे लगा दोगे उस जो पेपर है जिसके ऊपर आपने क्लॉथ लगाया था, और क्लॉथ के ऊपर फिर लेस लगाओगे। मेरे पास ये पेपर था इसलिए मैंने क्लॉथ वगैरह नहीं लगाया, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको मैंने आइडिया दिया है, अगर आपको कोई अपनी ड्रेस के जैसा ही पिन हेयर पिन बनाना है तो आप जैसा आपका ड्रेस है उसी टाइप का आप ही जो प्रिंट उसमें है वही प्रिंट आपके हेयर पिन में हो तो आप क्लॉथ लगा सकते हो और इस टाइप से अपना हेयर पिन बना सकते हो। जैसे मैंने पेपर लगाया, आप क्लॉथ लगाओ और ऊपर कोई भी आप लेस लगा सकते हो। ये मेरे पास एक स्टोन वाला लेस पड़ा था, मैंने ये लगा दिया और देखिए बहुत ही 2 मिनट में 1 मिनट में आप अपने लिए एक बहुत ही सुंदर हेयर पिन बना सकते हो इस टाइप से ये, और अपने बच्चों को, अपनी बेटी के लिए, अपने लिए आप बना सकते हो घर पे ही। आप अगर बाजार से लेने जाओगे तो ये 50 रुपये से कम नहीं आएगा, 100 रुपये से 50 रुपये से कम नहीं आएगा। और आप घर पर कैसे बना सकते हो देखिए, सुंदर लग रहा है बहुत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।